Good afternoon, class. Yes, class. ऑडिट में अब तक हम लोग कंपनी ऑडिट पर बात खत्म कर चुके हैं, पूरी कंप्लीट कर चुके हैं, और आज से स्टार्ट कर रहे हैं अपन अपना जो बेसिक ऑडिटिंग वाला कंसेप्ट है, यानी कि चैप्टर नंबर फर्स्ट. नाम आप लोग देख रहे हो, नेचर ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट. बराबर मंडे को आप लोगों को नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे. तो अब सवाल ये कि जितने भी चैप्टर्स अपन ने यहाँ पे इंक्लूड किए हैं वो सारे के सारे किए हैं अकॉर्डिंग स्टडी मटेरियल. बराबर इसीलिए थोड़ा सा अपने को भी नोट्स में टाइम भी लग गया, क्योंकि मैंने चैप्टर का अपने नोट्स में भी हेडिंग वही दे दिया है जो स्टडी मटेरियल के अकॉर्डिंग है. बराबर, ताकि आप एकदम हर चैप्टर से चैप्टर वहां से भी अगर लिंक करके पढ़ेंगे तो आपको ईजी हो जाएगा थोड़ा सा कि हाँ भाई चैप्टर टू चैप्टर सब कुछ बराबर चल रहा है. तो अभी अपना जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है एकदम ऑडिट का बेसिक कंसेप्ट है, अच्छा चैप्टर है, और पूरे ऑडिट के टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के लिए इस चैप्टर को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एकदम बेसिक चीजें सारी इसी में है. तो फर्स्ट चैप्टर अपने पास में है नेचर ऑब्जेक्टिव एंड क्या दे रखा है, स्कोप ऑफ ऑडिट. इधर से स्टार्ट हो रहा है. अभी कुछ चीजें यहां से आप लोगों को नोट करने के लिए बोलूंगा, वो नोट करनी है, जब बोलूं तब नोट करना है कि यहां ये डेफिनेशन आया तो उसको वहां से नोट करिए. ठीक है, फिलहाल सबसे पहला पॉइंट एकदम सिंपल आया कि ऑडिटिंग बेसिकली है क्या चीज, बताओ भाई. हाँ, अब इन्होंने बोला इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है. एक्चुअल में ऑडिट जो वर्ड है वहां से अगर आप देखोगे एकदम बेसिक मीनिंग, द वर्ड ऑडिटिंग हैज टू बी डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड. और क्या लिखा हुआ दिख रहा है आपको, क्या है, क्या मतलब होता है ऑडियर का, आगे दे रखा है विच मीन्स टू हियर, सुनना. अब सवाल खड़ा हुआ कि सर ऑडिट में सुनना कैसे, मतलब ऑडिट तो हमने बोला कि सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे उसको चेक करेंगे हम लोग ना, अपन जनरली ही सुनते हैं ना ऑडिट के बारे में. तो सवाल ये खड़ा हुआ कि फिर ये सुनने वाली चीज मैंने क्यों लिखी है, या जिसने भी ऑडिट का डेफिनेशन बनाया कि टू हियर वाली चीज कहां से आई, सोच सकते हो कोई ये टू हियर क्यों आया. सर एग्जामिनेशन है, ठीक है, अब टू हियर इसलिए आया, अल्टीमेटली जो भी ऑडिट करने के बाद आप ऑडिट रिपोर्ट बनाओगे वो लोगों को दिखाओगे. दिखाओगे, दिखाओगे का मतलब क्या हो गया, एक तरह से लोग उस रिपोर्ट को सुनेंगे. अब क्यों कंसेप्ट आया वो सुनो. पुराने जमाने में जब ये इतनी सारी डेवलपमेंट वाली चीजें नहीं थी तो राजा महाराजा लोग होते थे, नहीं होते थे. अब ये जो राजा महाराजा लोग हैं उनमें भी क्या होता था कि अकाउंट्स अकाउंट्स बनते होंगे, और जब अकाउंट्स अकाउंट्स उनमें बनते थे तो वहां जो भी इंचार्ज होता था फाइनेंस का वो ये सारी चीजें बोल करके राजा को सुनाता. कैसे सुनाता, बोल के. और वो जब बोला जाता तो वो क्या करता था, सुनता था. तो वहां से ये वर्ड अपने सामने आ गया टू हियर. ठीक है, आजकल सारी चीजें आप रिटर्न में दे रहे हो, अदरवाइज सुना जाता था. अच्छा, आज के कंसेप्ट पे अगर बोलूं, जब आप लोग फर्स्ट ग्रुप के अंदर कंपनी लॉ पढ़ते हो, ठीक है ना, जब भी आप लोग पढ़ोगे जो अब प्रमोट होने वाले हो, जो लोग यहां पे वो हैं जो फर्स्ट ग्रुप करके आए हैं, तो आप जानते हो कि हर कंपनी के एनुअल जनरल मीटिंग में ऑडिट रिपोर्ट प्रेजेंट होती है. अच्छा, रिटर्न में तो होती होती है, प्लस मीटिंग में ऑडिट रिपोर्ट को पढ़ करके सुनाया जाता है ना. और फिर अगर किसी मेंबर को कोई ऑब्जेक्शन है किसी पॉइंट पे तो वो ऑब्जेक्शन रेज करता है. तो वहीं से ये वर्ड निकल करके आया अपने सामने टू हियर. बराबर ना, क्या निकल के आया, टू हियर. तो ये तो एक इसका सिंपल वर्ड मीनिंग हो गया कि भाई ऑडिट का मतलब है टू हियर. अब जब मैंने आप लोगों से पूछा कि भाई, अब चूंकि आप जिसको भी पूछोगे भैया सीए क्यों कर रहे हो, क्या करोगे सीए करके, सर ऑडिट करेंगे, ऑडिट करोगे, क्या करोगे ऑडिट में, तो इन जनरल मीनिंग क्या होता है ऑडिट का. अभी आप बता रहे थे सर एग्जामिन करना, किसको एग्जामिन करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को. क्यों एग्जामिन करना, क्या जरूरत है भाई, क्यों क्यों करना बोलो, ताकि हम ये चेक कर सकें कि जो कुछ उसमें लिखा हुआ है वो सही है या नहीं है, सही है या फिर नहीं है, इसी चीज को करना है. अच्छा, आपको मैंने कुछ पुराने क्लासेस के अंदर एक चीज बोली थी कि इम्प्रैक्टिकल छोटा छोटा ऑडिट हम सब करते हैं, याद आया. अगर हमारे घर पे सपोज करो सिंपल इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया, क्या आया, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, और हमको लग रहा है यार इस बार तो थोड़ा सा रेट
ज्यादा दिख रहा है यार, अमाउंट ज्यादा दिख रहा है, बोलो उस पूरे बिल को एग्जामिन करोगे कि नहीं करोगे? करेंगे, कैसे एग्जामिन करेंगे बिल को बताओ? किसी ने देखा इलेक्ट्रिसिटी का बिल कभी? है ना, क्या जैसे ही घर में आपने नहीं तो आपके फादर ने कई बार किया होगा कि यार इस बार का बिल ज्यादा कैसे आया, चेक करो क्या चक्कर है। कैसे चेक किया? सबसे पहले तो बिल में देखा यूनिट कितनी आई है पिछली बार से इस बार की यूनिट कितनी आई है, फिर रेट क्या है, फिर बाहर जाके मीटर चेक करेंगे कहीं मीटर तो गड़बड़ नहीं हो गया। अच्छा, अब अपने लोगों के पेरेंट्स तो चलो फिर भी चलो शायद नहीं करते हो, ग्रैंड पेरेंट्स वो लोग तो इसी टाइम में पिछले साल कितना रीडिंग आया था यार। अभी गर्मी बहुत है, मई जून भयंकर हालत खराब है, 2 दिन से तो इधर बैंड बजी हुई है ना। अब इस टाइम पीरियड में लास्ट ईयर कितनी यूनिट्स आई थी, इस बार उतनी यूनिट आई या उससे ज्यादा आई है, वो ये तक चेक करेंगे। फिर अगर उनको लग रहा है कि यार ये यूनिट तो ज्यादा आई है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की गलती नहीं है, गलती हमारे घर में ही है, तो घर में गलती है मतलब, अब आपसे पूछेंगे इधर आओ एसी चलाता है कमरे में? अच्छा कितने घंटे चलाता है? 11 बजे रात को चालू करते हैं, सुबह सुबह उठते हैं 9-10 बजे तक चालू रहता है, 9-10 बजे तक चालू रहता है, बंद करो इसको, 3 घंटे कम करो उसको। तो अब ये सब चीजें बेसिकली क्या है, ये अपनी तरफ से एक ऑडिट है ना, एग्जामिनेशन करना कि भैया इतना बिल अगर आया तो इतना बिल कैसे आ गया बराबर, और उसके क्या क्या रीजंस रहे, कहीं कोई गलत रीजन तो नहीं कि इलेक्ट्रिसिटी वालों ने कुछ ज्यादा बिल चार्ज तो नहीं कर दिया, या हमारी तरफ से कोई लापरवाही तो नहीं है कि अननेसेसरी अपन नहीं है फिर भी चीजें ऑन पड़ी है, लाइट्स ऑन पड़ी है। इन सारी चीजों को देखना ही बेसिकली क्या है, अपने आप में ऑडिट है, ठीक है। फिर मैंने एक और चीज बोली, रेस्टोरेंट में अपन जाते हैं, रेस्टोरेंट का बिल चेक करते हो कि नहीं करते हो, वो सब भी क्या है अपने आप में एक ऑडिट ही तो है, हर चीज चेक करते हैं बराबर आई कि नहीं आई। अच्छा जितने जने गए सब चेक करे नहीं करे, एक आध तो उनमें से कोई चेक करेगा ही करेगा, एग्जैक्टली वही चीज होती है ऑडिट। अब उसी को हम यहां पे कोर्स फॉर्म के अंदर पढ़ रहे हैं, और जैसा आपको मैंने कहा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ये है। क्यों है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट? क्योंकि अल्टीमेटली एक जितने भी सब्जेक्ट हैं उनमें से जो एक मेन राइट है चार्टेड अकाउंटेंट का वो ऑडिट है, सबसे बड़ा पावर ही उसका ऑडिट है, और इसी ऑडिट को करने के लिए आप इतने सारे दूसरे सब्जेक्ट्स भी पढ़ते हो बराबर। तो अब वहां से अपना मेन काम आया ऑडिट का डेफिनेशन। तो जिन लोगों ने ऑडिट का डेफिनेशन नहीं लिखा हुआ है वो यहां से देख करके ऑडिट का डेफिनेशन नोट डाउन करेंगे अपने अपने रजिस्टर्स में, फटाफट नोट करना है, करना है। वहां से डेफिनेशन को आप लोग नोट करेंगे कि भाई ऑडिट का डेफिनेशन क्या कहता है, क्योंकि उसी को अपने को अब पूरा अच्छे से समझना है। तो फटाफट से नोट करिए, रीडिंग भी लगा रहा हूं मैं साथ में। इट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एन एंटिटी वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज, सब पे बात करेंगे अभी, और लीगल फॉर्म। व्हेन सच एन एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड विद अ व्यू टू एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन देयर ऑन, ये एक नॉर्मल सा डेफिनेशन है, बढ़िया डेफिनेशन। पहले इसको नोट डाउन करिए, फिर इसके हर पॉइंट पे अपन करेंगे बात। अच्छा तब तक मुझे अपना वो जो लोग नोट कर रहे हैं उनको नोट करने दीजिए। अभी पहले हमने इसका एक और डेफिनेशन थोड़ा सा बात की थी, वो वाली क्या थी? ऑडिट इज एन सिस्टमेटिक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय वेरीफाइंग, क्या था? वेरीफाइंग रिकॉर्ड्स डेटा एंड स्टेटमेंट्स आगे विद एन ऑब्जेक्ट टू फॉर्म एंड एक्सप्रेस एन ओपिनियन दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू और नॉट, बराबर। तो अब चाहे वो डेफिनेशन अगर याद कर ली हमने, याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है, ये डेफिनेशन भी याद है तो भी बहुत अच्छी बात है, दोनों में से कोई भी एक डेफिनेशन हम वहां पे लिख सकते हैं, टेंशन नहीं है, ठीक है बराबर। अब देखते हैं इस डेफिनेशन पे बात करेंगे। इस डेफिनेशन का अपन ने किया है पूरा पोस्टमार्टम बराबर, यानी पूरा पोस्टमार्टम देखें क्या है पोस्टमार्टम में।
सबसे पहला पॉइंट आया इट इज एन, क्या लिखा है, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। अब इंडिपेंडेंट वर्ड का मतलब क्या है, वहां पे अगर मैं एनालिसिस करूं, आपको एनालिसिस भी दिख रहा होगा वहां से, ऑडिट बाय अ इंडिपेंडेंट पर्सन हु हैज नो इंटरेस्ट इन द एंटिटी, इट रिक्वायर्स दैट ही शुड नॉट एक्ट अंडर एनी इन्फ्लुएंस। अब इस एक वर्ड को समझाने के लिए पूरा कंपनी ऑडिट आपको पढ़ाया गया। हालांकि कंपनी ऑडिट का एक ही सेक्शन इसके काम का है, पर एक सेक्शन बीच में तो ले नहीं सकते। आपको याद हो कंपनी ऑडिट के प्रोविजंस, तो हमने एक बहुत जबरदस्त सेक्शन वहां पे किया 141, याद आया, डिस्क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन। और इसमें भी खास करके ये वाला, इसमें हमने एक पूरी लिस्ट पढ़ी। अभी तो लॉ में भी है ये, तो लॉ वाले भी पढ़ के आए हैं इसको बराबर। पूरी लिस्ट में क्या था थोड़ा बहुत याद करवाओ। क्या कंपनी का डायरेक्टर खुद कंपनी का ऑडिट कर सकता है, कंपनी का ऑफिसर कर सकता है, कंपनी का एम्प्लॉई कर सकता है, पार्टनर कर सकता है? नहीं कर सकता सर। ऐसा बंदा जो कंपनी का शेयर होल्डर हो, सिक्योरिटी होल्डर, सर वो भी नहीं कर सकता है बराबर। ऐसा बंदा जिसका कंपनी से डेब्ट हो, ड्यू, एक लिमिट हमने दे रखी है 5 लाख वाली, गारंटी के अंदर 1 लाख वाली, अदरवाइज हमने इतने सारे बैरियर्स बना दिए कि कंपनी से कनेक्टेड कोई भी पर्सन कंपनी के बुक्स का ऑडिट नहीं कर सकता। क्यों, ऐसा क्यों? अब इसके पीछे का लॉजिक बताओ। पॉइंट तो समझ में आया, इंडिपेंडेंट ऑडिटर का मतलब जिसका कंपनी के साथ में कोई कनेक्शन नहीं है, इंडिपेंडेंट बंदा, कोई इन्फ्लुएंस में नहीं है, ऐसा बंदा क्यों चाहिए बोलो भाई? तभी उसकी बात पर लोग भरोसा करेंगे। अपने यहां पे सोशल कस्टम में जब शादी के लिए लड़का लड़की देखते हैं तो जनरली क्या होता है, इंक्वायरी करते हैं लड़के के बारे में भी एज वेल एज लड़की के बारे में भी। अब ये इंक्वायरी रिश्तेदारों से क्यों नहीं की जाती है? हाँ, अब मुझे अगर कोई पूछ ले सर ये दीपम के बारे में कुछ बताओ बराबर, तो अब मुझे तो अच्छा ही बताना पड़ेगा बराबर। स्टूडेंट भी है, रिलेटिव भी है, तो इसका मतलब मुझे तो अच्छा ही बताना पड़ेगा, तो मेरी बात पर वो भरोसा नहीं करेंगे। तो वो ऐसे बंदे को ढूंढेंगे जो जानता हो लेकिन रिलेटिव नहीं हो, है ना। अच्छा, आजकल तो क्या हो गया है कि फेसबुक का काम बहुत जबरदस्त हो गया है। जैसे ही किसी का रिश्ता आया वो सबसे पहले उसके फेसबुक प्रोफाइल पर जाएंगे, फ्रेंड्स ढूंढेंगे। उस फ्रेंड्स में दिख गया एडवोकेट जयेश भंडारी, एडवोकेट जयेश भंडारी के पास फोन आएगा, सर ये आपकी फ्रेंड लिस्ट के अंदर इस लड़के का नाम है, इस लड़की का नाम है, तो आप बताओ सर इसके बारे में रिपोर्ट दो। अब मैं बोलूंगा यार पहले तो मुझे देखना पड़ेगा, 5,000 लोग उसमें वैसे हो चुके हैं, तो अब मुझे भी देखना पड़ेगा कि कौन है क्या है, फिर मैं पता करता हूं, अगर हो सका तो, और फिर बताऊंगा। तो इंडिपेंडेंट बंदे से इसलिए पूछा जाता है ताकि उस पर हम भरोसा कर सके कि यार ये बंदा एक जेन्युइन रिपोर्ट देगा, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं, जो रियल है वो बताएगा। वही चीज ऑडिट में है कि ऑडिट में अपने को हमेशा क्या चाहिए, इंडिपेंडेंट। और आपको बताऊं यही इसी लेवल पे आज पहली क्लास है एक तरह से अपनी ऑडिट बेसिक्स की, ये वर्ड इतना जबरदस्त इंपॉर्टेंट है कि बढ़िया क्वेश्चन बना सकता है। एक वर्ड बहुत जगह काम आएगा, है ना। आगे इसको और डिटेल में आप पढ़ोगे, इसीलिए इसका बेस क्लियर होना बहुत जरूरी है कि भाई ऑडिट क्या है, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। इस पर कमेंट करो, इस पर बताओ। अब ऑडिट की एक खासियत है, सपोज करो लॉ में अगर मैंने आपसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पे कोई क्वेश्चन पूछा है तो उसका आंसर आप सिर्फ एमओए से ही दोगे। ऑडिट की एक खासियत है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन को समझाओ, ऑडिट के जितने भी 14-15 चैप्टर्स हैं अपने कोर्स में, उनमें जहां जहां इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन वर्ड आया है, जहां जहां समझाया है, सब लिखना पड़ेगा। यानी इस बार आप ऑडिट वो नहीं है, आप तो ज्यादातर स्टूडेंट ही कर रहा है, सर ये क्वेश्चन कौन से वाले चैप्टर से, बेटा कौन से वाले चैप्टर से है ही नहीं, ये जो तुम्हारा टॉपिक है ये पूरे ऑडिट से है। जहां इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन पूछ लिया तो जहां जहां पूरे ऑडिट में वो वर्ड आया है उसको वहां पे समअप करो और अपना आंसर लिखो, फिर देखें तुमको नंबर कैसे नहीं मिलते हैं। नंबर इसीलिए नहीं मिलते, हम लोग क्या करते हैं चैप्टर वाइज स्टडी करते हैं, एक चैप्टर की बात वहीं खत्म कर दी, दिमाग खत्म, वहीं ब्रेक लगा दिया, दिमाग को आप डायरेक्शन देके रखते हो, फर्स्ट चैप्टर खत्म,
इसका मटेरियल दूसरे चैप्टर में तो घुसाना ही नहीं है, हमको डालना ही नहीं है, वही चीज गलती होगी हमसे। इसीलिए कंसेप्ट को समझो, ऑडिट जैसा इजी सब्जेक्ट है नहीं। सिर्फ अगर कंसेप्ट समझ में आया हुआ है तो बहुत आराम से समझ में आएगा। तो पहला पॉइंट तो बहुत क्लियर हुआ, ऑडिट एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है, बराबर। इंडिपेंडेंट का मतलब ऐसा बंदा जो कंपनी के साथ में कनेक्टेड इन्फ्लुएंस में नहीं है, बराबर। बेस्ट एग्जाम्पल अगर एग्जाम में समझाने को भी आ जाए तो ये वाला पॉइंट तुमको डालना पड़ेगा। कौन सा? 141 डिटेल में नहीं बताना है, सिर्फ ये लिखना है आपको वहां पे कि अकॉर्डिंग सेक्शन 1413 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 देर आर सम डिसक्वालिफिकेशन प्रोवाइडेड बाय द कंपनीज एक्ट टू मेंटेन इंडिपेंडेंसी। बात समझ भाई, ये सेक्शन बनाए क्यों भाई 141 वाला, ताकि ये वाला जो आपका पॉइंट है ये मेंटेन रह सके, ये अपने को ध्यान रखना है, बराबर। ठीक है, चलो डेफिनेशन में आगे बढ़ते हैं। इट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ, क्या लिखा है आगे, अगला वर्ड आपके सामने आया फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। पूरा पोस्टमार्टम कर रहे हैं अपन। नाउ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या, देखो मैंने नीचे दिया है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच प्रोवाइड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एंटिटी एंड विच इज यूजफुल फॉर यूजर्स। एक वर्ड मैंने यहां पे भी डाल दिया, डेफिनेशन के अंदर यूजर वर्ड नहीं है लेकिन यहां मैंने डाला है। तो सबसे पहले तो ये समझ लो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या होती है, वही जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, आओ देखो, अकॉर्डिंग टू सेक्शन कौन सा 240 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन रिलेशन टू अ कंपनी मींस, क्या दिया है सबसे पहला बैलेंस शीट, सबको पता है। नंबर दो पे प्रॉफिट एंड लॉस, अच्छा प्रॉफिट एंड लॉस और इनकम और एक्सपेंडिचर क्यों लिखा है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अगर है तो फिर इनकम और एक्सपेंडिचर बनेगा। नंबर थर्ड पे कैश फ्लो एंड नंबर फोर पे एक्सप्लेनेटरी नोट्स, सबको पता है ये। तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का एग्जामिनेशन करता है ऑडिटर। तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बोले तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कितनी चीजें आती है उसमें, चार, याद होनी चाहिए। एग्जाम में लॉ और ऑडिट दोनों जगह पे ये क्वेश्चन भी बन सकता है, एकदम छोटा सा स्मॉल, डिफाइन फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट का डेफिनेशन दीजिए, तो आपको ये डेफिनेशन डालना पड़ेगा और एकदम छोटा सा डेफिनेशन है। सबसे पहले बैलेंस शीट, नंबर टू पे प्रॉफिट एंड लॉस और इनकम एंड एक्सपेंडिचर, है ना, आप क्लियर लिख सकते हो वहां पे फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इनकम एंड एक्सपेंडिचर। नंबर थ्री पे कैश फ्लो, है ना, नंबर फोर पे एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट या एक्सप्लेनेटरी नोट्स, बराबर। बहुत सिंपल एक्सप्लेनेशन आगे, ये कहलाती है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अब आगे अपन ने क्या लिखा, अच्छा डेफिनेशन में भी लिखा था, इट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एंटिटी, और एंटिटी के आगे लिखा था वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, आगे लिखा था इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइज, और लिखा था लीगल फॉर्म। बस यहां तक रुकना पड़ेगा। अब सवाल यहां पे आया, ऑडिट का मतलब है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का एग्जामिनेशन करना, सही है। किसकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, किसकी, एंटिटी की। एंटिटी मतलब क्या, वहां से देखो, एंटिटी का मतलब अपन ने लिया वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट फॉर प्रॉफिट, सही है। नॉट फॉर प्रॉफिट का क्या चक्कर है, नॉट फॉर प्रॉफिट अगर कंपनी फॉर्म में बनाना हो तो याद आया सेक्शन 8 कंपनीज, फटाफट से शेयर करो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन, सेक्शन 8 कंपनी बनाने के पीछे पर्पस क्या होता है। हाँ, अब ये सेक्शन 8 कंपनी बनाने के लिए आपको आरओसी से लेना पड़ता है लाइसेंस, और ऐसा लाइसेंस तीन कंडीशन पे मिलता है। कौन सी तीन कंडीशन, सबसे पहली कंडीशन प्रमोशन ऑफ आर्ट साइंस कल्चर स्पोर्ट्स एजुकेशन एंड ऑल दीज थिंग्स, बराबर। सेकंड नंबर, हाँ, नो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड अमंग दी मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे अपन। तीसरा पॉइंट, हाँ, जो भी प्रॉफिट होगा उसी को उसी पर्पज में री इन्वेस्ट करेंगे। तो अब ऑडिट भाई हर तरह के एंटिटी की हो सकती है, चाहे वो प्रॉफिट कमाने वाला एंटिटी हो या फिर नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटी, सबकी ऑडिट होती है, बराबर।
स्मॉल और बिग, स्मॉल और बिग, हाँ कैपिटल के हिसाब से बड़ी कंपनी का भी हो सकता है ऑडिट और छोटे एंटिटी का भी, है ना। ये जो ऑडिट है ये एक्सेल कॉमर्स एकेडमी का भी हो सकता है और रिलायंस का भी हो सकता है, बराबर। बड़ी कंपनी, छोटी कंपनी, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी भी ऑडिट करवाएगी, जेबी लिमिटेड, सबको पता है ये तो, बराबर। तो हर कंपनी हो उसका ऑडिट होगा। और आगे देखो क्या लिखा है, मतलब साइज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे हमने लिखा कोई भी लीगल फॉर्मेट में हो, लीगल फॉर्मेट का मतलब, लीगल फॉर्मेट इंडिविजुअल, फर्म, कंपनी, ट्रस्ट, कुछ भी। सर इंडिविजुअल की भी ऑडिट होती है क्या? अरे होती है। कितना कितना? 50 लाख और 1 करोड़। पहले कितना था? 25 लाख, है ना, याद आया ना, ऐसे टैक्स में पढ़ाया ना तुमने कि 25 लाख से, या अभी 50 लाख हो गया या 1 करोड़ आपने बोला, अगर एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट ने जो इनकम डिसाइड किया उससे ज्यादा आप क्रॉस करते हो तो आप इंडिविजुअल भी हो तो भी आपको ऑडिट करवाना पड़ेगा, लॉ के हिसाब से भी कंपलसरी है। अच्छा गवर्नमेंट कंपलसरी नहीं करे, मेरी मर्जी होगी मेरे बुक्स की ऑडिट कराऊं तो कोई रोकेगा क्या? करवा सकता हूं। फर्म की ऑडिट सेम रूल, कंपनी का ऑडिट तो भैया कंपलसरी है, सबको पता है। ट्रस्ट अभी बात की अपन ने, एनपीओस, तो एंटिटी चाहे किसी भी टाइप का हो, छोटा हो चाहे बड़ा हो, प्रॉफिट ओरिएंटेड हो, नॉट फॉर प्रॉफिट हो, चाहे इंडिविजुअल हो, चाहे फर्म हो, चाहे ट्रस्ट हो, चाहे कंपनी हो, सबका ऑडिट हो सकता है, ये अपने को ध्यान में रखना है, बराबर। ये भी अपना एक पॉइंट आया। तो अब डेफिनेशन पे वापस जाता हूं, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन पढ़ लिया हमने क्या होता है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एंटिटी, ठीक है, एंटिटी कैसी भी हो सकती है। When such examination is conducted with a view, अब view क्या है? Expressing an opinion. अब opinion का मतलब है आपकी राय, आपका judgment, बराबर। ये opinion word है क्या? Point of view. इन्होंने एक बढ़िया चीज बोली भाई, opinion का मतलब, जिन लोगों को note करना वो note करना, क्योंकि मैंने कुछ पुराने में बताया था, इसका मतलब होता है point of view. अब एक बढ़िया चीज आपको बताऊं, सबका पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग हो सकता है और हमने इसीलिए सिर्फ इसको एक ओपिनियन बोला है। यानी ऑडिटर ये कह रहा है भैया मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक किए और अकॉर्डिंग माय ओपिनियन ये सही है या सही नहीं है, ये मेरा ओपिनियन है। और हर किसी का ओपिनियन अलग अलग हो सकता है इन दिनों में जब से सोशल मीडिया आया है भाई, सबका ओपिनियन एनी टाइम आपको फेसबुक पे ट्विटर पे दिखेगा, जैसे ही कुछ इवेंट हुआ और अचानक से सबका ओपिनियन। पेट्रोल की रेट्स को भी लेकर के आप देखो फेसबुक, मैं तो जब फेसबुक ओपन करता हूं मुझे दो ही लोग दिखते हैं, दो नेता लोग दिखते हैं, बराबर। एक 2019 का इलेक्शन, एक जो अभी रूलिंग कर रहे हैं और एक जो रूलिंग करने की सोच रहे हैं, है ना, एक इनके फेवर में, एक इनके फेवर में, कभी इनके अगेंस्ट में। तो सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, कोई आ रहा नहीं ये सही है नोटबंदी, सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। तो हर चीज पे जीएसटी, सबका, कोई उसको ठीक मान रहा है, कोई उसको ठीक नहीं मान रहा है। तो हर, इवन कोई मूवी भी रिलीज होती है तो सबका अपना अपना उस पर होता है पॉइंट ऑफ व्यू, बराबर। वो सलमान खान की कौन सी थी पहले, प्रेम रतन धन पायो। अब सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू था। क्रिटिक्स आते ना, किसी ने क्या बोला, क्या पिक्चर है यार, क्या मतलब ही नहीं है, क्या था पिक्चर में, कुछ नहीं है। किसी ने बोला अरे यार सलमान खान अकेला भारी पड़ता है, उसमें डबल था, डबल रोल था, मजा आ गया पिक्चर का। अल्टीमेटली कुछ भी हो पिक्चर तो 100 करोड़ से बाहर गई। तो सबका अपना अपना क्या है पॉइंट ऑफ व्यू। तो अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, यहां पे ऑडिटर को भी देना है अपना ओपिनियन, क्या दे रहा है ओपिनियन, किस तरह का ओपिनियन, देखो ओपिनियन देना है वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू और नॉट। अभी थोड़ी सी बात ट्रू एंड फेयर पे भी कहेंगे, आगे मैंने दे रखा है ट्रू एंड फेयर का भी बात करूंगा आपसे। तो ऑडिटर का काम क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एग्जामिन करना और उस पर देना अपनी ओपिनियन। कैसी ओपिनियन, कि भैया ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, एग्जैक्टली इसी को अपन कहते हैं ऑडिट, है ना। देखने में बहुत आसान लग रहा है, क्या सर दे देंगे, पर मुश्किल काम है, ठीक है। मुश्किल काम का मतलब
एक डेफिनेशन से काम नहीं चलेगा, बहुत सारा प्रोसीजर है, बहुत सारा प्रोसेस है, सारा कुछ अपने को फॉलो करना पड़ेगा। तो अभी इस डेफिनेशन को थोड़ा सा और क्लियर करूं, तो वहां एक वर्ड आया था फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन वाले में, यूजर्स था। एक्चुअल में ऑडिट कर किन के ले रहे हो, क्यों कर रहे हो ऑडिट? सर लॉ ने कंपल्सरी किया इसलिए कर रहे हो, नहीं। यूजर्स के लिए मैंने लिखा हुआ है पर्सन यूजिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर देयर डिसीजन मेकिंग। कुछ ऐसे लोग हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हिसाब से लेने वाले हैं डिसीजंस, है ना, और एक्चुअल में ऑडिट उन्हीं के लिए हो रही है, उन्हीं के बेनिफिट के लिए हो रही है। और इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, इंटरनल और एक्सटर्नल। बहुत सिंपल, इंटरनल से क्या समझते हो, जो डायरेक्टली एंटिटी से जुड़े हुए लोग हैं वो तो हो गए इंटरनल, और जो डायरेक्टली नहीं जुड़ करके बाहर से जुड़े हुए हैं वो सारे कौन हो गए, एक्सटर्नल। तो अब मैं चाह रहा हूं कि ये पॉइंट्स में से हर एक पॉइंट आप मुझे समझाओगे, आप समझाओगे, फिर मैं बात करूंगा। सबसे पहले इंटरनल में आया ओनर। अब ओनर का मीनिंग बता देता हूं बस में, बाकी आप बताओगे। ओनर वर्ड यूज होता है जब आप कोई शॉप के पार्टनर नहीं, आपका खुद का प्रोप्राइटरशिप है और आप उस शॉप के मालिक हो, तब काम आता है क्या, ओनर। तो मुझे बताओ एक ओनर के लिए ऑडिट करवाने से क्या फायदा है? हाँ, क्या फायदा सर? ओनर को बेनिफिट ये होगा कि उसे फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता चलेगा, और हाँ, क्या आगे के लिए प्लान करना है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है शॉप के अंदर, हमारी लिक्विडिटी क्या है, कितना कुछ क्या हो रहा है, डेटर क्रेडिटर की पोजीशन क्या है, ये सारी कुछ उसको ढंग से पता लग जाए, इसके लिए ओनर के लिए ऑडिट बहुत जरूरी है, है ना। अपन पढ़ रहे हैं ऑडिट क्यों, यूजर्स के लिए, क्योंकि उनको फाइनेंशियल डिसीजन लेना है, तो डिसीजन लेने के लिए ये ओनर के लिए। अब वो खुद ही क्यों नहीं कर लेता है ऑडिट, या अपने क्वालिफाइड नहीं होगा, हो सकता है पढ़ा लिखा भी नहीं हो, अच्छा अपना मैनेजर से क्यों नहीं करवा लेता है, मैनेजर सीए है उससे क्यों नहीं करवा लेता है? सर इंडिपेंडेंट ओपिनियन निकल करके नहीं आएगी, हो सकता है वो सही चीजें नहीं बताए, हो सकता है उसने खुद ने कुछ बुक्स में गड़बड़ किया हो, इसीलिए अपने को ऑडिट करवाना पड़ेगा, ठीक है। शेयर होल्डर का क्या चक्कर है भाई, कंपनी, हाँ शेयर होल्डर ने कंपनी में कर रखा है इन्वेस्टमेंट, पैसे लगा रखे हैं, सबको डिविडेंड चाहिए, तो पता करना पड़ेगा ना कंपनी में सब कुछ सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में घपला घोटाला तो नहीं कर दिया, इधर उधर चीजें तो नहीं है, इसीलिए वो अगर भरोसा कर रहे हैं तो किस पे, ऑडिटर पे, इसलिए वो हो गए हमारे यूजर्स में, उनके लिए यूजफुल है। बीओडी इसका क्या चक्कर है यार, ये नहीं समझ में आया। देखो शेयर होल्डर्स का तो समझ में आता है, बीओडी इसको इन्होंने कहा मैनेजमेंट के लिए, क्या कहते हो? एक चीज बताओ, कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने का काम किया शेयर होल्डर्स ने, लेकिन कंपनी को मैनेज करने का काम बीओडी, लेकिन डेली रूटीन का जो काम है वो तो एम्प्लॉइज कर रहे हैं, तो एम्प्लॉइज के काम पर हमको रखना पड़ेगा कंट्रोल। बोलो कहीं कोई एम्प्लॉई तो गड़बड़ नहीं कर रहा है, उसके लिए मैनेजमेंट को भी चाहिए कि भैया ऑडिटर ऑडिट रिपोर्ट से ही हमको बता दे कि सब कुछ वहां पे सही चल रहा है, बराबर। आपको इसमें मैं एक बढ़िया एग्जाम्पल दूंगा, आज की क्लास में नहीं, मोस्टली कल की क्लास में। चार दिन पहले न्यूज़पेपर में राजस्थान में जोधपुर का एक बहुत बड़ा कैटल फील्ड के अंदर एक गबन, जिसको कहते हैं मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स, वो निकल के आया है, ठीक है। एक सिंपल क्लर्क ने, ये बात न्यूज़पेपर में थी सैटरडे के दिन, शनिवार के दिन, ठीक है, एक क्लर्क ने 3 साल में, आई थिंक 15-16, 16-17 और 17-18, 80 लाख रुपीस का किया है मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स। कितना? 80 लाख का, सिंपल क्लर्क, बराबर, सोचो आप। और पकड़ा गया, देन ऑडिटर की वजह से पकड़ा गया, बराबर, क्योंकि वो ऑडिट करवा नहीं रहे थे, देन ऑडिट करवाया तो पकड़ में आया कि सर ये सारी चीजें गलतियां हैं। तो इसीलिए आप सोचो कि मैनेजमेंट के लिए भी बहुत यूजफुल है कि मैनेजमेंट क्या कराए, ऑडिट करवाए, बराबर ना, क्योंकि मैनेजमेंट अगर ऑडिट करवाएगा तभी मैनेजमेंट को पता रहेगा कि अंदर कोई वर्कर जो है या कोई ऑफिसर है, कोई एम्प्लॉय है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा है, है ना। एम्प्लॉयज और वर्कर्स के लिए क्यों यूजफुल है ऑडिट,
अरे सैलरी है ना, आप लोगों का जब भी सीए हो जाएगा ना भाई, सीए होने के बाद में जब जॉब करने की सोचोगे, मान लो तुमने सोचा जॉब करेंगे, तो जॉब करते वक्त में सबसे ज्यादा एक चीज जो इंपॉर्टेंटली देखी जाती है, कंपनी का रेपुटेशन, कंपनी का ग्रोथ है ना, और उसके हिसाब से भरोसा करते हैं अपन कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। और वो भी कौन से वाले? ऑडिटेड वाले भाई। ऑडिटर ने बोल रखा है यस ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है, तो अब यार इधर जॉब करनी है अपने को। सैलरी भी बढ़िया मिलेगी, इंसेंटिव्स भी बढ़िया मिलेंगे, कंपनी का ग्रोथ भी अच्छा है, अपन भी ग्रोथ करेंगे, उनके लिए भी, एम्प्लॉयज और वर्कर्स के लिए भी यूजफुल है ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट इतने काम के हैं। अब इंटरनल तो समझ में आए, एक्सटर्नल भैया क्रेडिटर को क्या लेना देना ऑडिट रिपोर्ट से? अरे भैया पैसा दे रखा है उसने कंपनी को, उसको तो बहुत रिस्क है, एनी टाइम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नजर डाल के रखेगा कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, मेरी एसेट जो थी सिक्योरिटी पे वो दिख रही है कि नहीं दिख रही है, बेच तो नहीं दी गई इन्होंने, इसलिए उसके लिए यूजफुल है बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लोन के लिए। भैया एक्सेल कॉमर्स अकेडमी को 5 करोड़ का लोन चाहिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लगेंगे कि नहीं लगेंगे? अच्छा एक काम करते हैं ना, हमारे इधर तो सीए भरे पड़े हैं, हमारे कंपनी के दो दो डायरेक्टर चार्टेड अकाउंटेंट है, माने हुए चार्टेड अकाउंटेंट है, तो क्यों ना उन्हीं से चेक करवा के भेज दें, बोलो नीचे साइन करवा दें उन्हीं के, मस्त एकदम फर्स्ट क्लास। सर नहीं हो सकता, क्योंकि भले ही वो चार्टेड हो लेकिन कंपनी के डायरेक्टर्स हैं, और लोन देने वाला भले ही वो चार्टेड है लेकिन उन पर भरोसा नहीं करेगा, उसको इंडिपेंडेंट बंदा चाहिए, क्योंकि नहीं तो अपन अपने हिसाब से रिपोर्ट बना करके भेज दें, क्या फर्क पड़ रहा है, इसीलिए इंडिपेंडेंट चाहिए था, तो बैंक को भी चाहिए। अरे गवर्नमेंट को क्या लेना देना ऑडिट से? टैक्स भैया, टैक्स, टैक्स कैलकुलेशन ही तुम्हारे ऑडिटेड बुक्स पे होती है ना। प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर, मैं सोच रहा हूं कि किसी कंपनी में पैसा लगाऊं, जब सोच रहा हूं तो लगाने से पहले उस कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करूंगा, वो भी वो वाला जो ऑडिटर ने कर रखा है अप्रूव की यस भाई ये फर्स्ट क्लास है, उसमें पैसा लगाऊंगा, दिस इज कॉल्ड प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर। तो इन सब के लिए कल को आपसे पूछ ले भैया ऑडिट क्यों, बिकॉज यूजर्स, देर आर मेनी यूजर्स, दे वॉन्ट टू टेक सम फाइनेंशियल डिसीजंस, इसीलिए उनके लिए इंडिपेंडेंट बंदे का ऑडिट होना जरूरी है, ये अपने को ध्यान रखना है। अब एक पॉइंट आया था छोटा सा, वॉट इज ट्रू एंड फेयर व्यू, अभी तक का मैं लगा रहा हूं पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, ट्रू एंड फेयर व्यू है ना। कॉपीज ऑफिस में अगर नोट करना हो तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट बनाना है ना, बताता जाऊंगा मैं साथ साथ में कि भैया ये चीजें एग्जाम पर्पज से जोरदार रहेंगी, एग्जाम में आने के चांसेस, इनको अपने को छोड़ना ही नहीं है। उनमें से पहला व्यू आएगा ट्रू एंड फेयर व्यू, बराबर क्या आएगा? ट्रू एंड फेयर व्यू डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा, क्या बन जाएगा? एक्सप्लेन कंसेप्ट ऑफ ट्रू एंड फेयर, फुल स्टॉप, इतना ही क्वेश्चन भी इतना ही बनेगा। अब आप उलझ गए, अब देखो पढ़ के नहीं जाएगा वो क्या लिख के आएगा, वो एक दो लाइनें पक्का लिखेगा, क्या लिखेगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट बी ट्रू एंड फेयर, फिर वो इसी ट्रू एंड फेयर को घुमाता रहेगा बार बार कोई किसी तरीके से। सपोज देर इज अ परचेज ऑफ स्टॉक ऑफ ₹1 लाख, सो मस्ट बी रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ ₹1 लाख, दिस इज कॉल्ड ट्रू एंड फेयर, से घुमा घुमा के फिर मन से लिखेंगे अपन, और क्या करेंगे। पर इसीलिए आप फिर नंबर भी उतने ही मिलेंगे या मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि कंसेप्ट ही नहीं लिखा आपने। तो अब अपन यहां से करने जा रहे हैं पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर हाल में आज की क्लास में याद होना ही होना चाहिए, जरूरत पड़े वहां बोलूंगा नोट करने को, अभी नहीं, जब बोलूं तब नोट करना। पहले इसका इजी मतलब समझेंगे, मैंने दोनों मतलब दिए हैं, एक इजी वाला और एक वो जो एग्जाम में लिखना है, दोनों दिए हैं। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन शैल बी ट्रूली रिकॉर्डेड एंड फेयरली प्रेजेंटेड, याद है भाई? ट्रूली रिकॉर्डेड मतलब जो कुछ रिकॉर्ड किया है वो सही किया है और साथ में फेयरली भी किया है। सर फेयरली और ट्रू तो एक ही बात है, बता रहा हूं, पढ़ते हैं आगे। ट्रू का मतलब है वैलिड और कंप्लीट डेटा, सब कुछ सही लिखा है, और फेयर का मतलब है प्रॉपर क्लासिफिकेशन एंड डिस्क्लोजर एज पर रेगुलेशन, डिस्क्लोजर सही जगह पे किया है, याद रखना।
जरूरी नहीं है कि बुक्स के अंदर या जब ऑडिटर चेक करे तो सब कुछ गलत ही गलत मिले, झूठ ही झूठ मिले, सही भी हो सकता है, लेकिन सही तरह से डिस्क्लोज नहीं किया है तो भी ऑडिटर पकड़ेगा आपको, कहेगा सही करो। सर कैसे, यहां से पढ़ रहा हूं मैं, लेकिन उससे पहले सिंपल बताऊं, आप लोगों को एस पढ़ाए जाते हैं, एस वन किस पर है, ठीक है, एस टू इन्वेंट्री, इन्वेंट्री पे एस टू बराबर, एस टू में आपको सिखाया जाता है भैया स्टॉक का वैल्यूएशन, कॉस्ट और एनआरवी, विच एवर इज लेस, सिखाया जाता है। अब ऑडिटर जब चेक करेगा तो वो ये देखेगा कि कहीं आपने स्टॉक का कैलकुलेशन कॉस्ट पे करके तो नहीं रख दिया है, ये भी ऑडिटर को चेक करना है। ट्रू तो है, आपने किया तो है, छुपाया कुछ नहीं है, लेकिन आपने उसको, आपको जो भी आपका अकाउंटेंट रहा होगा उसने ये एस पढ़ा ही नहीं कभी, एस टू, तो उसने इन्वेंट्री को कॉस्ट पे था, कॉस्ट पे वैल्यूड कर दिया, ये भी गलत है, तो ये चीज सही करवानी, ये भी इसके अंदर कवर होता है। तो फिलहाल एग्जाम्पल देखो, वन वीडियो रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट शोन इन द बैलेंस शीट ऑफ एक्सेल एकेडमी, ठीक है, बट एक्चुअली देयर वॉज नो परचेज, बात समझ में आ रही है, क्या लिखा हुआ है, वीडियो रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट देख रहे हो ना अभी, वीडियो रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, अब तो आपके सामने सारे, हमारी बैलेंस शीट में दिख रहा है लेकिन एक्चुअली में हमने परचेज किए ही नहीं हो, तो लॉ क्या कहेगा यहां पे, क्या कहता है देखो, इट मींस फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर नॉट गिविंग ट्रू व्यू, क्यों भाई नॉट गिविंग क्यों, सही कहा है, एक ऐसा ट्रांजेक्शन जो हुआ ही नहीं वो आपने बुक्स में लिख दिया, इसका मतलब जो लिखा वो झूठ है, ट्रू नहीं है। ट्रू कब होता है, जब हुआ हो तब आपको लिखना है, नहीं हुआ हो तो नहीं लिखना है। कई सारे लोग एक्सपेंडिचर बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीजें फेक लिख देते हैं, सैलरी रजिस्टर में अननेसेसरी सैलरी के नाम डाल दी और सैलरी दिखा दी, जबकि एक्चुअल के अंदर वो एम्प्लॉइज वहां पे है ही नहीं, ताकि हमारा एक्सपेंडिचर बढ़े, एक्सपेंडिचर बढ़े तो प्रॉफिट कम हो, प्रॉफिट कम हो तो टैक्स कम हो। अच्छा एक चीज बताओ, अभी इस पे बीच में एक चीज मुझे याद आ गई, कुछ लोग प्रॉफिट को, ये सब अपना एक ऐसे 240 आगे अपन पढ़ेंगे, सब अपना टॉपिक है ना, बीच बीच में जहां जहां कुछ कुछ चीज मुझे लग रही है कि यहां बतानी चाहिए, ताकि आप थोड़ा सब्जेक्ट से कनेक्ट हो जाओ। ये प्रॉफिट को कुछ लोग कम करके दिखाते हैं, कुछ लोग ज्यादा बढ़ा के दिखाते हैं, लॉजिक क्या है इसके पीछे? हाँ अब बिल्कुल ये कोर्स में और एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा, ये वाई अंडर वैल्यूड वाई ओवर वैल्यूड, तो लिंक अगर आपके दिमाग में, रट्टा नहीं मारना इधर, फिर बोल रहा हूं मैं, जरूरत होगा उस चीज को रट्टा मारेंगे, अदरवाइज कंसेप्ट समझो ना। जैसे इन्होंने बोला सर ओवर वैल्यू इसलिए दिखाते हैं ताकि कंपनी का प्रॉफिटेबल सिचुएशन दिखे, प्रॉफिट दिखेगा तो इन्वेस्टर ज्यादा आएंगे, सत्यम के केस में यही था है ना। अच्छा कैपिटल हमारी ज्यादा दिखेगी, इन्वेस्टर भी ज्यादा आएंगे, लोन देने वाले भी हमको आराम से बैंक वैंक लोन दे देगी, और कई बार सुनना ध्यान से, कॉम्पिटिटर को कंफ्यूज करने के लिए, ये भी एक तरीका है सर, कॉम्पिटिटर को कंफ्यूज करने के लिए प्रॉफिट बढ़ा के दिखा रहे हैं। हां आप लोगों ने अपने एग्जाम टाइम में इस चीज को प्रैक्टिकल फील किया है, दो तरह के स्टूडेंट पाए जाते हैं, एक को आप फोन करोगे उसने कुछ नहीं पढ़ा है फिर भी आपको बोलेगा बॉस कोर्स कंप्लीट, दूसरी बार रिवीजन चल रहा है, अपन तो टेंशन में आ गए, अगला कंफ्यूज, बराबर अपना तो पर्पज यही था, अपन तो न तो पढ़ रहे हैं तो सामने वाले को भी ऐसा कह देंगे हमने तो सब पढ़ लिया, तो वो बेचारे टेंशन के बारे में नहीं पढ़ेगा। कुछ ऐसे भी होते हैं पढ़ने के बाद भी क्या बोलेंगे, अरे यार कुछ भी नहीं पढ़ा, तो भी सामने वाला कंफ्यूज, अरे यार उसने भी नहीं पढ़ा, ठीक है ना यार अपने तो ज्यादा ही हुआ है, अपन भी आराम से पढ़ेंगे। सेम यही चीज कंपनियां भी करती हैं, अलग अलग पॉलिसी है जो जैसा यूज करना चाहे, कुछ कंपनियां चाहती हैं जानबूझ के अपना प्रॉफिट ज्यादा दिखाओ ताकि बाकी कंपनियां हमसे थोड़ी घबरा जाएंगे, अरे और ये तो इतना प्रॉफिट कमा रही है यार, डरी हुई रहे। कुछ कंपनियां बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाती है लेकिन अपने आप को कम शो करना चाहती है ताकि कॉम्पिटिटर को लगे कि अरे यार इनसे क्या कॉम्पिटिशन है, और हम फटाफट से कॉम्पिटिशन में आगे निकल जाए, इस वजह से भी ओवर और अंडर वैल्यूएशन चलता रहता है। तो ऑडिटर का काम यही है कि वे चेक करे कि कहीं ऐसा कुछ पोजीशन है तो नहीं, और है तो उसको क्लियर करे, नहीं तो रिपोर्ट में लिखे, क्योंकि जो है वो गलत है, भले आपका पॉलिसी होगा लेकिन पॉलिसी सही नहीं है। अब दूसरा एग्जाम्पल देखो, वन वीडियो रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट परचेज बाय एक्सेल एकेडमी
बट रिकॉर्डेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज रिपेयर्स. अब बोलो ट्रूली रिकॉर्डेड तो है पर फेयरली प्रेजेंटेड नहीं है. कहां फेयरली प्रेजेंट कहां किया? इट मींस ट्रांजेक्शन इज ट्रूली रिकॉर्डेड बट नॉट फेयरली प्रेजेंटेड. क्यों? कहां आना चाहिए था? बैलेंस शीट में आना चाहिए ना. आपने रिपेयर्स में दिखा दिया प्रॉफिट एंड लॉस के साथ में, तो ये चीज तो हमारी क्या है? गलत है, नहीं होना चाहिए था. तो सर इसमें ऑडिटर क्या करेगा? करेगा ना भाई, क्या करेगा? मैनेजमेंट को बोलेगा. क्या बोलेगा मैनेजमेंट को? सर ये आपको बैलेंस शीट में लिखना था, आपने गलती से पीएनएल में लिख दिया. अपन तो यही मान के चलेंगे गलती से लिखा होगा. मैनेजमेंट को बात समझ में आएगी कि हाँ भाई, मैनेजमेंट उसको सुधारेगा. बाय चांस मैनेजमेंट मना कर दे, जहां है वहीं रहेगा, हम तो नहीं करेंगे चेंज. तो ऑडिटर है हम तो, हाँ हम मैं रिपोर्ट में लिख देंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर नॉट गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू. अभी पहली क्लास समझ के चल रहा हूं मैं, इसलिए आपको ये नहीं बता रहा हूं. हालांकि थोड़ा बहुत मैंने उस दिन आपको आइडिया दिया था, अनक्वालिफाइड, क्वालिफाइड, एडवर्स, मॉडिफाइड, है ना, पर अभी इन पे बात नहीं कर रहा हूं. तो मैं सिंपल इतना बता रहा हूं कि वो रिपोर्ट के अंदर लिख देगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर नॉट गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू. इतना हमारा राइट है, इतना अपन कर सकते हैं. तो हम हर ऐसी रिपोर्ट लिखने से पहले एक बार मैनेजमेंट को बोलते हैं सर ठीक कर लो, कर ले तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर अपने को रिपोर्ट बनाना पड़ेगा ऐसा, कि अपने को ध्यान रखना है. अब एग्जाम पर्पस से जो पॉइंट आने वाला है, मैंने लिखा है कंसेप्ट ऑफ ट्रू एंड फेयर व्यू. इसके पॉइंट मैंने टोटल डाले हैं यहां पे 7 पॉइंट. तो आप लोगों को अपनी कॉपीज में एक बार हेडिंग लगानी है, ये अभी के लिए बिल्कुल लगाओ. हेडिंग लगाएंगे कंसेप्ट ऑफ ट्रू एंड फेयर व्यू. हाँ जी, कंसेप्ट ऑफ ट्रू एंड फेयर व्यू लगा दिया हेडिंग. फर्स्ट पॉइंट वहां जो आपको दिख रहा है उसको नोट डाउन करेंगे. नोट डाउन करना है सर, नोट्स में मिलेगा ना लिखा हुआ, फिर भी करना है. एग्जाम में तो नोट्स लेके नहीं बैठोगे ना, वहां तो लिखना पड़ेगा, लिखने का आदत डालना है हर हाल में. कंसेप्ट ऑफ ट्रू एंड फेयर इज वन ऑफ द फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ ऑडिटिंग. लिखना है अपने को, बिल्कुल पॉइंट्स याद होने चाहिए, सब के सब अभी कभी याद करेंगे. तो कंसेप्ट ऑफ ट्रू एंड फेयर, द कंसेप्ट ऑफ ट्रू एंड फेयर इज वन ऑफ द फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ ऑडिटिंग. जब भी आ जाए पहला पॉइंट ये लिखना है. वाई हमने क्यों बोला फंडामेंटल कंसेप्ट है भाई? हमने डेफिनेशन में इंक्लूड किया है इसको. डेफिनेशन में ऑडिटर को अपना रिपोर्ट ही क्या देना है? ट्रू एंड फेयर व्यू और नॉट. तो बट ऑब्वियस क्या हो गया, ये तो फंडामेंटल हो गया ना. मेन प्रिंसिपल यही है हमारा, मेन कंसेप्ट यही है. सो फर्स्ट पॉइंट ऑलवेज, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आया क्या लिखने वाले अपन? दिस व्यू इज फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ ऑडिटिंग. सही है. सेकेंड पॉइंट नोट करो, ऑडिटर इज रिक्वायर्ड वाला जो पॉइंट है उसको नोट डाउन करना है. लिखिए, लिखने का आदत डालिए. ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस हिज ओपिनियन एज टू वेदर द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड द रिजल्ट ऑफ द बिजनेस रिप्रेजेंट ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द बिजनेस. हाँ जी, जब भी एग्जाम में मान लीजिए अपने अटेम्प्ट में ही ये क्वेश्चन बन गया, तो सबसे पहला पॉइंट किधर से स्टार्ट करोगे? दिस इज फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ ऑडिटिंग. सेकेंड पॉइंट लिखोगे द ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन वेदर. क्या ओपिनियन एक्सप्रेस करना है?
whether statement of affairs and result of the business represent true and fair view of the business. By chance, इस पॉइंट को मॉडिफाई करना चाहो तो भी कर सकते हो. डेफिनेशन अगर याद है तो डेफिनेशन से क्या पॉइंट बनाओगे. इन ऑडिटिंग ऑडिटर हैव टू एक्सप्रेस फॉर्म एंड एक्सप्रेस एन ओपिनियन दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू और नॉट. तो कंसेप्ट ही तो है, ऑडिटर को अल्टीमेटली बताना क्या है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. तो आपको इसलिए तो डेफिनेशन याद करवाई कि बाय चांस इस पॉइंट की जगह डेफिनेशन वाला पॉइंट लिखो ना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू और नॉट. यही तो बताना है उसको, है ना. ऑडिटर हैव टू फॉर्म एंड एक्सप्रेस. फॉर्म एंड एक्सप्रेस का मतलब पहले ओपिनियन बनानी पड़ेगी, बनाने के बाद ये एक्सप्रेस करनी पड़ेगी. क्या आप में से कोई बता सकता है ये एक्सप्रेस कहां पे होगी? बिल्कुल सही, ये एक्सप्रेस होगी ऑडिट रिपोर्ट में, है ना. एक्सप्रेस करने का मतलब क्या, किसी को बुला बुला इधर अभी बताता हूं कंपनी की रिपोर्ट क्या है, तू भी अभी तुझे भी बताता हूं. इसका मतलब क्या है, एक ऑडिट रिपोर्ट बनाना है उसमें आपको एक्सप्रेस करना है, ये ध्यान रखोगे. ठीक है, अब कैसे करना है ये सारा काम. अगला पॉइंट देखो, पहले समझाता हूं फिर नोट करना है. दिस रिक्वायर्ड दैट ऑडिटर शुड एग्जामिन द अकाउंट्स विद अ व्यू. अब अकाउंट्स को एग्जामिन करेगा और क्या पता लगाएगा. पहला पॉइंट मीनिंग समझाओ, टू वेरीफाई दैट ऑल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर स्टेटेड. मतलब जो भी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज है सबको लिखा गया है. नंबर टू, जो भी इनकम और एक्सपेंडिचर है वो सारे के सारे रिकॉर्ड हुए हैं. तो ये तो ट्रू पता लगेगा इससे, इन दोनों से ट्रू पता लगेगा. बोलो, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज जो भी है सबके सब आए हैं, पीएनएल के आइटम जो भी थे ट्रेडिंग पीएनएल इनकम एक्सपेंडिचर जो है वो सबके सब इंक्लूड हुए हैं. फिर अगला पॉइंट फेयर का है, पढ़ के बताओ. टू कंफर्म दैट अबव आइटम्स हैव बीन स्टेटेड और रिकॉर्डेड अकॉर्डिंग विद द अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रिंसिपल्स जो भी रिलेवेंट है. सबको पता है ये तो अकाउंटिंग पॉलिसीज प्रिंसिपल्स, ठीक है, उसके हिसाब से सब कुछ सही सही आया है. और लास्ट पॉइंट क्या कहता है, चौथे नंबर पे, टू कंफर्म दैट नो मटीरियल अमाउंट आइटम और ट्रांजेक्शन हैज बीन. वापस से ट्रू पे आ गए भैया, कुछ भी भूले नहीं हो, कुछ भी छोड़ा नहीं है, सबका सब रिकॉर्ड हुआ है. ठीक है, तो वापस, इट इज अ फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ ऑडिटिंग. नंबर टू क्या है, एक्सप्रेस एन ओपिनियन दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू और नॉट. ये ऑडिटर का काम है. अब ये रिपोर्ट तक पहुंचने के लिए ही हैव टू एग्जामिन द अकाउंट्स. ऐसे कैसे बताएगा, एग्जामिन करेगा. अब एग्जामिन में उसको क्या ध्यान में रखना है, सबसे पहला ऑल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर रिकॉर्डेड स्टेड कुछ भी. नंबर टू, इनकम एक्सपेंडिचर में पीएनएल में जो भी कुछ है ऑल आइटम्स आर रिकॉर्डेड. इसी के साथ चाहो तो वो डाल दो, नथिंग विल बी ओमिटेड, कुछ भी आपने छोड़ा नहीं है. और फिर लास्ट वाला पॉइंट वो डाल दो, कौन सा, मस्ट बी रिकॉर्डेड अकॉर्डिंग अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड, बराबर नोट करो. तीसरा पॉइंट भी लिखना है हर हाल में. हा, क्या चीज, एक्सप्रेस को नहीं, ऑफिशियल डिक्लेरेशन वर्ड इसके साथ में नहीं आता है, एक्सप्रेस एंड ओपिनियन वर्ड ही अपन यूज करेंगे. बराबर नोट करना है भाई. थर्ड पॉइंट भी, फोर टू फाइव मार्क का क्वेश्चन अपन ये तैयार करेंगे अभी. लैंग्वेज आप अपने हिसाब से चेंज भी करें अगर एग्जाम में जब लिखते हैं, कोई टेंशन नहीं है. जैसे मैंने आपको कहा है बिल्कुल लैंग्वेज चेंज कर सकते हो, पॉइंट्स सारे कवर हो जाने चाहिए.
हाँ जी, नोट हुआ, नोट कर लीजिए। पॉइंट नंबर थर्ड, कंसेप्ट फंडामेंटल है, एक्सप्रेस करना है ट्रू एंड फेयर व्यू, और उसके लिए ये सारा काम जो है वो उसको करना पड़ेगा, ये अपने को लिखना है। ठीक है, अभी हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है वहां से, जैसा मैंने आपको कहा था कि भाई ट्रू एंड फेयर पे आ गया तो जहां जो मैटर मिले उसको डालो, तब नंबर मिलेंगे पूरे। तो हमने लिख दिया भैया कंपनीज एक्ट भी यही कहता है, देखो द कंपनीज एक्ट प्रोवाइड दैट द अकाउंट ऑफ अ कंपनी शेल बी डीम्ड टू डिस्क्लोज अ ट्रू एंड फेयर व्यू इफ दे डिस्क्लोज द मैटर एज पर द प्रोविजन ऑफ, क्या लिखा हुआ है, शेड्यूल कौन सा, थर्ड, याद है भाई सबको। अब कंपनीज एक्ट में कब कहा जाएगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर है, जब आपने उनको प्रिपेयर किया हो अकॉर्डिंग शेड्यूल थर्ड। अच्छा, ये कहां से रिलेट किया मैंने, मैंने इस पॉइंट को रिलेट किया है ऊपर वाले इस पॉइंट से। ऊपर वाला पॉइंट क्या था, टू कंफर्म दैट अबव आइटम्स हैव बीन स्टेट और रिकॉर्डेड अकॉर्डिंग विद द अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रिंसिपल्स। और जब आप कंपनीज के अकाउंट्स बनाओगे तो वहां प्रिंसिपल क्या कहता है, मस्ट बी अकॉर्डिंग टू शेड्यूल थर्ड। अच्छे से जानते हो आप, शेड्यूल थ्री के अकॉर्डिंग अगर नहीं है तो वो सही भी नहीं माने जाते। तो इसीलिए अपने को कंपनीज एक्ट भी डालना है कि भाई अकॉर्डिंग कंपनीज एक्ट कब माना जाए ट्रू एंड फेयर है, जब आपने उनको बनाए हो अकॉर्डिंग शेड्यूल थर्ड, है ना, शेड्यूल थ्री के हिसाब से। फिर आगे देखो, क्लियर लिख दिया अपन ने, द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डिस्क्लोज ऑल द मैटर रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज एज पर अकाउंट्स, अगर अच्छी तरह से पढ़ी है तो आपको याद होगा पार्ट सेकेंड ऑफ द शेड्यूल थ्री, है ना। और सेकेंड पॉइंट, बैलेंस शीट बनेगा वो पार्ट फर्स्ट ऑफ शेड्यूल थ्री के अकॉर्डिंग बनेगा। आगे देखो क्या लिखा है, द ऑडिटर इन केस ऑफ कंपनी देयरफॉर विल हैव टू सी दैट अकाउंट्स आर ड्रॉन इन कंफॉर्मिटी विद द शेड्यूल थर्ड या शेड्यूल थ्री। बात समझ में आई। अब जैसा मैंने कहा, ट्रू एंड फेयर में कुछ भी रट्टा मारने वाला नहीं है, कॉमन कंसेप्ट है, बस आपके दिमाग में रहना चाहिए क्या लिखोगे। सबसे पहला पॉइंट याद करना है, आज ये पांच नंबर का क्वेश्चन है, बोलो सर ये एक फंडामेंटल कंसेप्ट है, क्या करना है कंसेप्ट पे इसमें। सर डेफिनेशन कहती है ऑडिटर हैव टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू और नॉट। कैसे पहुंचेगा इस ओपिनियन तक, सर एग्जामिन करेगा अकाउंट्स का, क्या क्या एग्जामिन करेगा, सर पीएनएल के अंदर पहले बैलेंस शीट के आइटम्स चेक करे, एसेट्स लाइबिलिटीज प्रॉपरली रिकॉर्डेड हुए कि नहीं हुए, सही आए कि नहीं आए, फिर पीएनएल इनकम और एक्सपेंडिचर के आइटम सही आए कि नहीं आए, आए तो अकॉर्डिंग अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रिंसिपल्स हुए कि नहीं हुए। अब सर एक सेगमेंट है कंपनी का, कंपनी में ये पॉइंट तभी अप्लाई होता है जब मस्ट बी अकॉर्डिंग टू शेड्यूल नंबर थ्री, तो ये चेक करेगा ऑडिटर। अच्छा बाई चांस कोई थ्री के हिसाब से नहीं है, बताओ बताओ, मैंने तरीका बताया आपको, हर में दिमाग में रखना है, जब भी नहीं है तो क्या दो बातें होंगी, पहले मैनेजमेंट को बताएगा, अगर मैनेजमेंट को बताएगा तो दो बातें होंगी, या तो मैनेजमेंट सही करेगा या नहीं करेगा, सही करेगा तो ट्रू एंड फेयर व्यू ले लो, नहीं करेगा तो मत लो, नॉट गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू, एकदम बेसिक कंसेप्ट। जब भी आगे के आंसर्स भी लिखोगे हर पॉइंट का एंडिंग ही हो सकता है, जैसे ही कुछ पता लगा आस्क मैनेजमेंट टू रेक्टिफाई, इफ मैनेजमेंट इज रेडी टू रेक्टिफाई देन गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू, इफ मैनेजमेंट नॉट विलिंग टू रेक्टिफाई देन क्वालिफाइड रिपोर्ट अपनी कौन सी वाली, नेगेटिव वाली चली जाएगी, नॉट गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू, ये अपने को ध्यान में रखना है। बराबर सीधा कंसेप्ट हमारा, इसको भी नोट करना है, लेकिन उससे पहले इसके कुछ पॉइंट्स और पहले डिस्कस करता हूं, फिर एक साथ नोट करेंगे। इन केस अब आपका अकाउंट्स का पॉइंट, आप में से जिस जिसने सेक्शन नंबर 129 को ढंग से पढ़ा हो, सर ये किधर से लाए, किधर से लाया, जो फर्स्ट ग्रुप कर चुके हैं उन्होंने तो पढ़ा है, बाय चांस जो अभी फर्स्ट ग्रुप चल रहा है जिनका अकाउंट्स में शायद पढ़ लिया होगा। कुछ ऐसी कंपनीज भी हैं जो शेड्यूल थर्ड को फॉलो नहीं करती हैं, कंपनी है पर शेड्यूल थर्ड को फॉलो नहीं करती, कौन है, बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी वाली कंपनी और स्पेशल एक्ट में फॉर्म हुई कंपनी। ठीक है,
तो फिर उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर कब माने जाएंगे? तो उनके एक्ट के अकॉर्डिंग अगर बनाए हो तो बस वही तो कह रहा हूं, मैंने यही तो कहा आपको, रट्टा तो मारना ही नहीं है इसमें, आपका बेसिक कंसेप्ट यूज करो ना। देखो फोर्थ पे क्या लिखा है मैंने, फिफ्थ पे, इन केस ऑफ अदर कंपनीज विच आर गवर्न बाय अदर स्पेशल एक्ट, इसमें सब आ गए, अब आपका नॉलेज काम आएगा, इलेक्ट्रिसिटी वाला, बैंकिंग वाला, इंश्योरेंस वाला, ऑडिटर विल हैव टू सी, ऑडिटर को देखना पड़ेगा, क्या देखना पड़ेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट ऑफ दोज एक्ट, उन एक्ट के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने या नहीं बने ये उसको देखना पड़ेगा, अगर बने तो ट्रू एंड फेयर व्यू वहां पे है ये उसको बताना है, बस आसान से पॉइंट है। ये दो पॉइंट कंपनीज एक्ट से निकल के आए, अगला पॉइंट देखो ये भी मेरा कंपनीज एक्ट का है, लास्ट दो पॉइंट फिर नोट करना। सिक्स पॉइंट क्या कहता है देखो, सेक्शन 128, अभी मैं बता रहा था आपको 129 ऊपर बताया, 128 ऑल्सो प्रिस्क्राइब दैट कंपनी शुड मेंटेन द प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन एक्रूअल बेसिस। कितना इजी पॉइंट है कि आप चार पांच नंबर फोल्ड के मिल रहे हैं, आपको अपना अकाउंट्स लिखना है आपको, तो यहां ऑडिट तो कुछ बता ही नहीं रहा हूं मैं आपको, एक्रूअल बेसिस पे होते हैं भाई, याद करो कंपनी के अकाउंट्स कैश बेसिस पे या एक्रूअल बेसिस पे, यही तो देख रहे हैं उसको कि कैश बेसिस पे तो एंट्री नहीं करती वहां पे, सब कुछ एक्रूअल बेसिस पे हुआ है, नहीं तो कंपनी लॉ का कंसेप्ट ही गड़बड़ हो जाएगा, तो बताना पड़ेगा आपको उसको भैया एक्रूअल बेसिस पे करो। और एक बड़ा सा पॉइंट है लास्ट, मोर ओवर द ऑडिटर हैज टू टेक इनटू अकाउंट द फॉलोइंग मैटर व्हाइल डिसाइडिंग अबाउट स्टेट ऑफ ट्रू एंड फेयर, कुछ और बातें उसको लास्ट में देखनी है, पहली चीज डिस्कस कर ली अपन ने, देखो एसेट्स न तो अंडरवैल्यूड है न ओवरवैल्यूड है, सही है, अभी बात की थी ना अपन ने। दूसरा, कोई मटेरियल एसेट्स को आप भूल नहीं गए हो, सारा अकाउंट्स और लॉ का नॉलेज। नंबर नेक्स्ट, अगर एसेट्स पर कोई चार्ज है तो डिक्लेयर हुआ है, जो लोग अभी सिर्फ फर्स्ट ग्रुप कर रहे हैं, चार्ज का मतलब होता है मॉर्गेज, तो अगर कंपनी ने कोई लोन लिया और अपनी एसेट्स मॉर्गेज पे रखी है तो बतानी पड़ेगी ना कि भैया हमारी कंपनी ने लोन लिया है और ये जो बिल्डिंग है ये मॉर्गेज पे है, बताया या नहीं बताया ये भी देखना पड़ेगा ऑडिटर को। और जब एसेट नहीं भूले हो तो एसेट के साथ ही लायबिलिटीज भी नहीं भूले हो, और अकाउंटिंग पॉलिसीज कंसिस्टेंटली फॉलो हो रही है, कंसिस्टेंटली का मतलब, ये कंसिस्टेंटली का मतलब क्या है, मतलब हर साल कॉन्स्टेंट है, कैसे होता है ये कैसे समझा नहीं मैं, इस साल डेप्रिसिएशन लगाया है WDV से तो अगले साल भी WDV से, फिर अगले साल भी WDV से, हाँ अगर चेंज कर रहे हो तो प्रॉपरली अकाउंटिंग डिस्क्लोजर होता है उसका, वो ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, ऐसे नहीं इस साल WDV अगले साल SLM फिर WDV फिर SLM, कंसिस्टेंटली मेंटेन करना है। और अनयूजुअल एक्सेप्शनल और नॉन रिकरिंग आइटम्स हैव बीन डिस्क्लोज सेपरेटली, ये क्या चक्कर है भाई, अनयूजुअल एक्सेप्शनल नॉन रिकरिंग आइटम डिस्क्लोज सेपरेटली, नॉन रिकरिंग जो बार बार नहीं होते कभी कभार होते हैं, ऐसा क्या है, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, कंपनी को कोई लॉटरी से इनकम हो रही है, प्रॉपर डिस्क्लोज हुई कि नहीं हुई, फायर वाला अपना जो इंश्योरेंस होता है उससे जो पैसा आ रहा है या जो लॉस हो रहा है कभी कभार होने वाला है, हर बार तो होगा नहीं, प्रॉपर डिस्क्लोजर है, कोई केस किसी साल में हार गए, मैगी कंडीजन लाइबिलिटी कभी कभार होने वाली चीज है, शो हुई कि नहीं हुई, ये चीजें देखना ही है ट्रू एंड फेयर व्यू और नॉट, बराबर, नोट। सर क्यों नोट करा रहे हो, करना पड़ेगा करना पड़ेगा, अभी नहीं करोगे तो बाद में भी नहीं करोगे कभी, इसीलिए करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर फोर से आपको नोट करना था, ये लो मैं जादू से सब गायब कर देता हूं, जादू की छड़ी है मेरे पास, ये गायब, सारी लाइंस गायब, अब आप आराम से इसको नोट करेंगे, फोर्थ से करना था ना, बिल्कुल बिल्कुल नोट करना है, नोट करोगे लिखोगे तो याद रहेगा, नहीं तो ऑडिट कभी याद नहीं होती है जब तक लिखते नहीं हो आप। तो एग्जाम पर्पस से अगर आपने ये छह पॉइंट भी लिख दिए, बाय चांस लास्ट वाला पॉइंट नहीं याद रहा, हालांकि दिक्कत नहीं आएगी, उसका रीजन है आज तो बेसिक चालू हो रहा है,
जब आप लोग पूरा ऑडिट का कोर्स कर चुके होंगे तो ये सारे पॉइंट इतनी बार आ गए होंगे जगह जगह पे कि आपको वैसे ही याद हो जाएगा, है ना। तो मोर ओवर अपने को 6 पॉइंट लिखने ही लिखने हैं, और उनमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा जो कंपनीज एक्ट 2013 का आप जो रेफरेंस देने वाले हो ना, शेड्यूल थर्ड वाला भी, सेक्शन 128 वाला भी, है ना, और स्पेशल एक्ट वाला भी। तो इससे क्या होता है कि कॉपी चेकर पे एक इंप्रेशन जाता है कि आपने अपना आंसर हवा में नहीं लिखा है, है ना, आपको अच्छे से पता है कि हाँ ट्रू एंड फेयर वर्ड कहाँ कहाँ यूज हुआ है और किस तरह से यूज होता है। तो उससे अपने को बस ऑडिट में यही चीज मेन है, उसमें अपने को मार्क्स मिलते हैं। तो पहला 5 नंबर का टॉपिक यहाँ पे अपना एक आज के लिए जो अपने बात की उनमें से एक पॉइंट बनता है कि भैया ट्रू एंड फेयर व्यू कंसेप्ट को समझाइए, ठीक है। अब इसी तरह का अपना एक पॉइंट और वहां पे बनकर के आता है जो कहता है कंसेप्ट ऑफ इंडिपेंडेंस। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे आपको अब मैं बता रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट नंबर 2। दो चीजें हैं। अच्छा, ये ट्रू एंड फेयर वाले से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बोला भी था अभी कि इंडिपेंडेंट वाला पॉइंट तो बहुत जगह पूछा जाता है कि भैया इंडिपेंडेंस का कंसेप्ट क्या है वो समझाइए, सबसे पहला पॉइंट आपसे पूछा गया। तो अब पहले इसको समझते हैं ना, नोटिंग वोटिंग का काम बाद में देखो। इसमें टोटली इसमें भी लगभग लगभग 6 पॉइंट वहां पे मैंने देखे रखे हैं, 6 पॉइंट्स हैं टोटल। सर इतने सारे नोट कराओगे क्या? पहले पढ़ेंगे आज, आज नोट का काम इतना ही था जितना आपने अभी तक किया। पहले समझते हैं, सबसे पहले इंडिपेंडेंस वाला पॉइंट जब भी आए तो मैंने फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है पहले तो उसको देखो, इंडिपेंडेंट डिसीजन एंड जजमेंट। पहले पढ़ते हैं, इंडिपेंडेंस इंप्लाइज दैट द डिसीजन एंड जजमेंट ऑफ ऑडिटर नॉट बेस्ड ऑन द डायरेक्शन ऑफ एनोदर पर्सन हु मे अपॉइंट हिम। ये तो डेफिनेशन से पता लग रहा था। डेफिनेशन से क्या पता लग रहा था इंडिपेंडेंस का मतलब क्या था, बोलो। अपन ने जो डेफिनेशन के अंदर इंडिपेंडेंस वर्ड लिया था, ये वाला वर्ड जो अपन ने यहां से भी देखा, इसमें इंडिपेंडेंस का मतलब यही तो था, ऑडिट बाय अ इंडिपेंडेंट पर्सन हु हैज नो इंटरेस्ट इन द एंटिटी। और अगली लाइन क्या थी, इट रिक्वायर्स दैट ही शुड नॉट एक्ट अंडर एनी इन्फ्लुएंस। अब इन्फ्लुएंस में वो उसी के आ सकता है जिसने उसको अपॉइंट किया हो। तो हमारा एग्जैक्टली यही फर्स्ट वाला पॉइंट वहां पे चला गया कि भैया इंडिपेंडेंस का मतलब है विदाउट एनी इन्फ्लुएंस। वो वाला लिख सकते हो आप यहां पे कि जो भी ऑडिटर ने दिया है अपना ओपिनियन वो किसी के दबाव में, किसी के प्रेशर में आकर के नहीं दिया है, फर्स्ट पॉइंट हमारा, ठीक है। अब सेकेंड पॉइंट है एक्सरसाइज ड्यूटी इंडिपेंडेंटली, सेम पॉइंट, द ऑब्जेक्टिव इज दैट द ऑडिटर शुड एक्सरसाइज हिज ड्यूटी इंडिपेंडेंटली फॉर कमिंग टू द कंक्लूजन दैट अकाउंट्स रिप्रेजेंट ट्रू एंड फेयर पिक्चर। मिक्स कर दिया अपने पॉइंट को। अब कैसे बनाते हैं इन पॉइंट्स को, फिर से बोल रहा हूं, रट्टा नहीं मारना है। जब बोलू जिस पॉइंट को रट्टा मारने को उधर जरूरत पड़ेगी, इधर इसमें क्या रट्टा मारना। मान लीजिए एग्जाम में ये क्वेश्चन बन जाए, इंडिपेंडेंट वाले कंसेप्ट को समझाइए, फर्स्ट पॉइंट, अकॉर्डिंग डेफिनेशन ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पहले यहीं पे रुक जाओ। सो इट इज नेसेसरी टू गिव ओपिनियन इंडिपेंडेंटली विदाउट एनी इन्फ्लुएंस, पहला पॉइंट हुआ। अब हमने सेकेंड पॉइंट लिखा, ये वाला जो मैं यहां से पढ़ रहा हूं, एक्सरसाइज ड्यूटी इंडिपेंडेंटली। ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑडिट इज, क्या ऑब्जेक्टिव है, गिविंग फॉर्म एन ओपिनियन दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू, एंड फॉर गिविंग दिस ओपिनियन ही हैव टू डू हिज वर्क इनडिपेंडेंटली। मिक्स करो ना दोनों पॉइंट को, ट्रू एंड फेयर व्यू है कि नहीं, ये रिपोर्ट कब दे पाओगे, जब काम कैसे किया है आपने, इंडिपेंडेंटली किया है, वहीं से पॉइंट बनाया हमने, नया तो कुछ है ही नहीं। नाउ तीसरा पॉइंट बहुत जोरदार है, रियल इंडिपेंडेंसी, वास्तविक वाली। सर ये क्या होती है, पढ़ते हैं, इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर मस्ट नॉट ओनली एग्जिस्ट इन फैक्ट बट शुड ऑल्सो अपियर, क्या लिखा हुआ है, ऑल्सो अपियर टू एग्जिस्ट टू ऑल रीजनेबल पर्सन। इसका मतलब बता सकते हो, इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर मस्ट नॉट ओनली एग्जिस्ट इन फैक्ट बट ऑल्सो अपियर टू एग्जिस्ट टू ऑल रीजनेबल पर्सन। मतलब इंडिपेंडेंसी सिर्फ होनी ही नहीं चाहिए, दिखनी भी चाहिए। आजकल मार्केट का कंसेप्ट है, जो दिखता है वो बिकता है,
देखना जरूरी है। आप में 100 क्वालिटीज होंगी, पर जो दिखता है बिकता है। एडवर्टीजमेंट मार्केटिंग यही सब तो कंसेप्ट है, तो वैसा ही एक कंसेप्ट हम इधर लेके आए। एग्जैक्ट वो कंसेप्ट नहीं है, मार्केटिंग नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन हम कह रहे हैं भैया इंडिपेंडेंसी सिर्फ होनी नहीं चाहिए, दिखनी भी चाहिए। द रिलेशनशिप मेंटेन बाय ऑडिटर विद हिज क्लाइंट एंड अदर शैल बी सच दैट नो रीजनेबल पर्सन कैन डाउट इट ऑब्जेक्टिविटी एंड इंटीग्रिटी। हमारी ऑब्जेक्टिविटी पे कोई किसी तरह का सवालिया निशान न लगा सके, इसलिए इंडिपेंडेंसी मेंटेन होना जरूरी है। सर अब ये समझाओ कि दिखती कैसे और होती कैसे है। हमने कहा एक्सेल एकेडमी का ऑडिट करेंगे सीए बीएम बिहानी, और हम गीता पे हाथ रख के उनसे कसम दिलवाएंगे कि जो भी वो रिपोर्ट देंगे वो सच होगी, सही होगी, ट्रू होगी, फेयर होगी, तो भी लोग भरोसा करने वाले नहीं है। अरे नहीं सर, ए कसम वसम तो चलता है, सब पता है हमको, रहने दो, आप ये सारी बातें मत करो हमसे। क्यों? होनी नहीं चाहिए, दिखनी भी चाहिए यार, होगी 100% होगी, पर लोगों को दिखेगी नहीं। क्यों नहीं दिखेगी? क्योंकि बंदा खुद कंपनी का डायरेक्टर है, तो जब डायरेक्टर है तो दिखेगी नहीं। इसीलिए हमने वो सेक्शन 141 के पॉइंट बनाए कि भैया आप इंडिपेंडेंट ओपिनियन ही दो, ऐसा बंदा ऑडिट करेगा ही नहीं। क्योंकि मन से आप कितना भी कह दो हम सच हैं, सही बोल रहे हैं, लेकिन लोगों को वो चीज दिखने वाली नहीं है। बराबर बात समझ में आई ना? अच्छा, इसका एग्जाम्पल मैंने आपको पहले भी दिया था एक बार। मैंने कहा था क्लास में, स्कूल में या कॉलेज में, अगर टीचर का डॉटर या सन हमारे साथ में पढ़ रहा है और वो हमेशा बहुत अच्छे नंबर ला रहा है या हमसे आगे है, तो हमारे दिमाग में एक थॉट पक्का रहेगा, टीचर का है भाई लड़का, तो ये तो आना ही है, उसके नंबर तो क्या है, पेपर दिखाते होंगे। अब वो भले कितना ही सीरियसली पेपर करता हो, वाकई में कितना ही होशियार हो, उसके फादर उसकी कोई मदद नहीं करते हैं पेपर दिखाने में या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने में, लेकिन हमारे दिमाग में थॉट यही आएगा। क्या आएगा? नहीं नहीं, ये तो टीचर का लड़का है तो पक्का इसको पेपर दिखाया होगा, 100% दिखाया होगा, अपने यहां ये मेंटेलिटी तो है ही है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं भैया रियल इंडिपेंडेंसी हो, सिर्फ हो ही नहीं, दिखे भी। ठीक है, फिर पॉइंट क्या कहता है? अब कंपनीज एक्ट के प्रोविजन तो भाई तुम सबको बताए, अब क्या बताऊं मैं इसमें? देखो पूरा कंपनी ऑडिट कर चुके बन, इसलिए मैंने कहा कंपनीज एक्ट का लिखना तो नंबर मिलेंगे, ये टाइम पास पॉइंट तो हर कोई लिख के आएगा, ऑडिटर डेफिनेशन लिख देगा पूरी की पूरी। एग्जाम में नॉर्मल स्टूडेंट क्या करता है, पूरा डेफिनेशन छाप देता है, फिर उसी में से इंडिपेंडेंट वर्ड को निकाल के 4-5 बार वापस लिख देता है, इंडिपेंडेंट मस्ट बी इंडिपेंडेंट, ओपिनियन इंडिपेंडेंट विदाउट एनी प्रेशर, ये वो, कोई मतलब नहीं। कंपनीज एक्ट भी है, उसके प्रोविजन साथ में डालो। देखो क्या लिखा है, द कंपनीज एक्ट हैज मेड सर्टेन प्रोविजन टू मेंटेन द इंडिपेंडेंस ऑफ द ऑडिटर, सम ऑफ द प्रोविजन आर, फटाफट लेंगे प्रोविजन। क्या हमको 143 का प्रोविजन पता है? क्या बात की थी बनने, प्रोविजन फॉर डिसक्वालिफिकेशन ऑफ सर्टेन टाइप ऑफ पर्सन फ्रॉम अंडरटेकिंग ऑडिट ऑफ लिमिटेड कंपनी। याद आया भाई, बहुत सारी, अच्छा सारी नहीं लिखनी है, सिर्फ सेक्शन का रेफरेंस देना है। अब सोच के बताओ बी पॉइंट हमने अलग से क्यों लिखा, बी पॉइंट अलग से क्यों लिखा, प्रोविजन फॉर द सीलिंग ऑन द नंबर ऑफ ऑडिट, ये भी 1413 में ही है। सीलिंग याद है किसी को? ये सीलिंग छत, ऑडिट की भी एक लिमिट है। हाँ, 20 कंपनियों से ज्यादा का ऑडिट आप, ये भी इंडिपेंडेंसी मेंटेन करने के लिए है, ताकि 20 तक आप रुक जाओ, अननेसेसरी एक्सेस आपका लालच बढ़ सकता है, उस हिसाब से आप बहुत सारी कंपनियों की ऑडिट ले सकते हो, और जब ज्यादा कंपनियों की ऑडिट लोगे ज्यादा वर्कलोड होगा तो इंडिपेंडेंटली काम शायद नहीं कर सको, इसके लिए भी ये प्रोविजन बनाया। ये अलग से नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, 141 में इंक्लूड है। अच्छा, सी पॉइंट का मीनिंग समझा दो, सबको बताया, अपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट, रिमूवल के सारे प्रोविजन किस लिए हैं? इंडिपेंडेंसी मेंटेन करने के लिए। किसी को याद है 139? भूल गए, इतिहास में चले। 5 ईयर्स के लिए एक बंदा अपॉइंट होगा, उसके बाद उसका टाटा बाय बाय हो सकता है, याद आया? और हर साल रेटिफिकेशन भी होता है कि नहीं होता है, तो उसके सर पे ये तलवार भी है कि भैया कभी भी तुमको बाहर निकाला जा सकता है। तो ये सब किस लिए? ताकि उसका
इंडिपेंडेंसी हमेशा मेंटेन रहे, ज्यादा अच्छा कनेक्शन उसका फर्म के साथ में, कंपनी के साथ में नहीं बने, उसके लिए ये सारे प्रोविजन है। फिर 143 में हमने उसको बहुत जबरदस्त पावर दिए हैं ऑडिटर को ऑडिट करने के, वो सारे पावर बुक्स को एक्सेस कर सकता है, इंक्वायरी कर सकता है, इंस्पेक्शन कर सकता है, इसीलिए दिए ताकि इंडिपेंडेंटली काम कर सके। और सबसे जोरदार पॉइंट, द पावर टू क्वालिफाई द रिपोर्ट अंडर ऐसे का मतलब है स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग अंडर 705, ये पढ़ेंगे आगे। वैसे इस पॉइंट का सिंपल मीनिंग क्या है, लगातार 3 बार आज आप लोग बोल चुके हो मेरे साथ में वो पॉइंट, इंडिपेंडेंट रिपोर्ट देने का पावर ये कि जरूरत पड़ने पर वो नेगेटिव रिपोर्ट जिसको अपन क्वालिफाई रिपोर्ट बोलते हैं दे सकता है। ये भी इंडिपेंडेंसी मेंटेन करने के लिए है ना। अच्छा, वो अपना पुराना क्वेश्चन, सर फीस तो हमको दे रहा है क्लाइंट, जब फीस क्लाइंट दे रहा है तो सर हम उसके इन्फ्लुएंस में तो आएंगे ही आएंगे। ऐसे 705 कहता है कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, अगर आपको लगता है कि ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं है तो आप वही रिपोर्ट दीजिए, बराबर सर। लेकिन ऐसे तो अगली बार वो हमसे ऑडिट कराएगा ही नहीं, आपका प्रोफेशन ही ऐसा है कि इतना रिस्क तो आपको लेना पड़ेगा, लेकिन आपको रिपोर्ट वही देनी है जो एक्चुअल में है, बिकॉज आपको काम हमेशा करना है इनडिपेंडेंटली, ये ध्यान में रखोगे, बराबर। अच्छा, फिर एक और पॉइंट आ गया, चलो जो अभी मैं बात कर रहा था आपसे, लास्ट 2 पॉइंट बचे हुए हैं। प्रोविजन ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949, ये क्या है भाई, कोई बता सकता है? मेन एक्ट है आपका, इसी के थ्रू आप लोग रेगुलेट हो रहे हो, तो आप सीए बन जाएंगे। या अभी जो आपका कोर्स भी चल रहा है, कोर्स में जो पेपर्स भी पढ़ रहे हो, जो एग्जाम भी दे रहे हो, वो सब कहां से रेगुलेट हो रहा है? इसी एक्ट के थ्रू, जो पावर से उसी से रेगुलेट हो रहा है। तो ये एक्ट आपके ऊपर क्या बोलता है पढ़ो, द चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट हैज ऑल्सो मेड सर्टेन प्रोविजन थ्रू द कोड ऑफ कंडक्ट, आपके कुछ एथिक्स बने हुए हैं, कोड ऑफ कंडक्ट बने हुए हैं, वो आपको कहते हैं कि आपको काम कैसा करना है, इंडिपेंडेंटली काम करना है, ध्यान रखोगे, बराबर। तो एग्जाम में आ गया 5 नंबर का क्वेश्चन, चालू किधर से करोगे? सबसे पहले तो डेफिनेशन, ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, खत्म। इसलिए सेकेंड पर्पज है ट्रू एंड फेयर व्यू देना, उसके लिए काम करना पड़ेगा इंडिपेंडेंटली। फिर सीधा सीधा कुछ याद नहीं आए, टेंशन नहीं, कंपनीज एक्ट पे आओ। कंपनीज एक्ट का सेक्शन नंबर 141 से क्या, मैं तो कहता हूं 139 से चालू करो। 139 अपॉइंटमेंट एंड रीअपॉइंटमेंट, 140 रिमूवल, 141 क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन, और बताता हूं जो वहां नहीं लिखा है, सेक्शन नंबर 144 प्रोहिबिटेड सर्विसेज इज प्रोवाइड फॉर मेंटेन इंडिपेंडेंसी। याद करो, क्या कंपनी में खुद अकाउंट्स बनाने वाला ऑडिट कर सकता है क्या? कंपनी को मैनेज करने वाला खुद ऑडिट कर सकता है क्या? इसीलिए तो बनाया प्रोविजन ताकि आपका इंडिपेंडेंसी मेंटेन रहे। लिखो ना सारे पॉइंट, फिर सीधा सीधा से आ जाओ अपने सी एक्ट के ऊपर कि भैया अकॉर्डिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949 देर आर सम कोड ऑफ कंडक्ट एंड ऑडिटर हैव टू फॉलो, और वो कहता है कि आपको इंडिपेंडेंसी मेंटेन करना पड़ेगा, खत्म। अब क्या होता है, लास्ट पॉइंट देखो, एक क्वेश्चन अलग से बन सकता है, बस इसका मीनिंग बताते जाना मुझे, मैं नहीं समझा रहा हूं, इसका मीनिंग आप लोग मुझे बताओगे। देखो बहुत सारे पॉइंट है, लेकिन कुछ पॉइंट आप मुझे अभी बता दोगे, सेपरेट क्वेश्चन बनेगा, साथ में नहीं आएगा, अलग से क्या आएगा, इंडिपेंडेंट ऑडिट के एडवांटेज बताओ, एक तरह से ऑडिट के एडवांटेज बताओ, दोनों में कॉमन आंसर है क्या, इंडिपेंडेंट ऑडिट के, क्योंकि ऑडिट इंडिपेंडेंट ही होती है, तो अगर डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ गया ऑडिट का एडवांटेज बताओ तो भी यही है, और इंडिपेंडेंट ऑडिट का एडवांटेज बताओ तो भी यही है। फर्स्ट पॉइंट क्या है, सबको पता है, जल्दी से कौन बता रहा है, सेफ गार्ड द फाइनेंशियल इंटरेस्ट ऑफ पार्टनर एंड शेयर होल्डर्स, कहां पढ़ा ये, यूजर्स वाला पॉइंट अपना याद आया, ये यूजर्स को फाइनेंशियल डिसीजन लेने में हेल्प करता है। ऑडिट का सबसे पहला फायदा बेनिफिशियल फॉर यूजर्स, दो ही क्यों, सारे लिख देना यूजर्स, कौन मना कर रहा है आपको। सेकेंड पॉइंट का मीनिंग कौन बता सकता है,
बहुत जोरदार पॉइंट है, चार पॉइंट ले रहा हूं आज, बस ज्यादा लूंगा भी नहीं आज, कल लेंगे बाकी। बताओ, मॉरल चेक ऑन एम्प्लॉइज, ये एम्प्लॉइज पे मॉरल चेक कैसा है भैया, बोलो। हाँ, मतलब मॉरल चेक ऑन द एम्प्लॉइज फ्रॉम कमिटिंग डिफ्लेक्शन और एम्बल्समेंट का मतलब होता है, क्या होता है, गबन, गबन करना, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स। एम्प्लॉइज पे मॉरल चेक, बोले तो डर, क्या डर, कि यार ऑडिटर आएगा, आकर के चेक करेगा, तो ये सारे फ्रॉड हमारे पकड़े जाएंगे। कल वो वाला केस बताऊंगा आपको, जो कैटल फील्ड वाला बोल रहा था ना मैं, न्यूज़पेपर लेके आऊंगा कटिंग साथ में, पहले पूरा पढ़ के सुनाऊंगा आपको, ताकि आपको पता लगे। देखो, अच्छा ऑडिटर वही है जो ये पता लगाए कि फ्रॉड कैसे कैसे होता है, तभी तो पकड़ पाओगे, बराबर। तो आप जब वो पढ़ोगे केस स्टडीज, तो आपको समझ में आएगा कि ओहो, ये तरीके से भी फ्रॉड होता है। मतलब ये कि जब हम ऑडिट करने जाएंगे तो हमको ये चीज भी क्या करनी है, चेक करनी है, ताकि हम पता लगा सके कि हाँ, यहां पे कहीं फ्रॉड तो नहीं है। तो एम्प्लॉइज पे मॉरल चेक का मतलब क्या, एम्प्लॉइज को एक डर रहेगा, क्या डर रहेगा, कि यार ऑडिटर आएगा, सारी चीजों को चेक करेगा और हमारा फ्रॉड, हमारा एम्बल्समेंट पकड़ा जाएगा, इस डर से वो फ्रॉड या गड़बड़ नहीं करेगा। ये भी ऑडिट का एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। ऑडिट के फायदे देख रहे हैं ना अपन, सिंपल दो फायदों पे बात करो, एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है, सोच लो। नंबर वन बोलो, पहला फायदा, इट इज बेनिफिशियल फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ यूजर्स, दे कैन टेक डिसीजन, फाइनेंशियल डिसीजन, यूजर्स लाइक शेयर होल्डर्स हो गए, ओनर्स हो गए, बैंक हो गया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया। सेकेंड पॉइंट, इट इज मॉरल चेक ऑन एम्प्लॉइज, कैसा मॉरल चेक, किस बात का डर रहेगा, एम्बल्समेंट नहीं करें, फ्रॉड नहीं करें, ये अपने को लिखना है, बराबर। सिंपल दो पॉइंट पे मैंने बात किया, तीसरा भी चलो आज नहीं ले रहा हूं, सिंपल दो पॉइंट पे बात कर रहा हूं आपसे। अब मुझे आज की क्लास का 5 मिनट में करा दो अभी तक का रिवीजन, बस इतना करना है आज। सबसे पहले हमने चालू किधर से किया आज, सर हमने चालू किया ऑडिट का डेफिनेशन से, बराबर। फटाफट से, ऑडिट क्या है, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ द एंटिटी, वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, इररिस्पेक्टिव ऑफ साइज, लीगल फॉर्म, और आगे क्या, सच एन एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड विद एन व्यू टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन, बराबर। एंटिटी कैसी होगी सर, प्रॉफिट वाली हो या नॉट फॉर प्रॉफिट वाली हो चलेगा, स्मॉल हो, मीडियम हो, बिग हो चलेगा, इंडिविजुअल हो, पार्टनरशिप फर्म हो, कंपनी हो, ट्रस्ट हो, सब चलेगा, सबका ऑडिट हो सकता है, बराबर। सही है, सबका ऑडिट हो सकता है, कोई टेंशन नहीं। फिर हमारा इसमें एक वर्ड मैं आपको देता हूं, ओपिनियन कैसी होनी चाहिए, क्या ओपिनियन देनी है, वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू और नॉट। बस आज का लास्ट पॉइंट, कंसेप्ट ऑफ ट्रू एंड फेयर व्यू, 5 नंबर का क्वेश्चन इसी बार आ गया। अगर पहला पॉइंट क्या लिखोगे, फंडामेंटल कंसेप्ट है, दूसरा पॉइंट भाई ओपिनियन एक्सप्रेस ही करना है उसको कि गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू और नॉट, बराबर। फिर उसके लिए क्या करेगा सर, वो एग्जामिन करेगा, क्या एग्जामिन करेगा, बैलेंस शीट वाले आइटम ट्रूली रिकॉर्डेड हुए कि नहीं हुए, इनकम और एक्सपेंडिचर वाले रिकॉर्ड हुए कि नहीं हुए, प्रिंसिपल और अकाउंटिंग पॉलिसीज को फॉलो किया या नहीं किया, कहीं कोई मटीरियल आइटम ओमिट तो नहीं कर दिया है, चलो ठीक है। फिर कहां से लाओगे सर, कंपनीज एक्ट शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग P&L बैलेंस शीट बना के नहीं बना, फिर सर कंपनीज एक्ट की बात चली है तो 128 भी कहता है कि ट्रू एंड फेयर व्यू होना चाहिए, याद आया, 128 भी कहता है, पर कुछ और कंपनीज भी हैं जो कहती हैं स्पेशल एक्ट की रिक्वायरमेंट पूरी हुई या नहीं हुई, ये सब चीजें देखना ही कहता है कंसेप्ट ऑफ ट्रू एंड फेयर, ट्रूली रिकॉर्डेड, फेयरली प्रेजेंटेड, बस इंडिपेंडेंस डेफिनेशन देना है। और खास करके मुझे कल करने हैं इंडिपेंडेंट ऑडिट के फायदे, दो ही फायदे आज, दो ही बेनिफिट किए हैं। सबसे पहला सेफगार्ड है, किसका सेफगार्ड, यूजर्स का सेफगार्ड फॉर यूजर्स। नंबर टू, मॉरल चेक ऑन एम्प्लॉइज, बराबर, इतना आज करिए।
कल इसको आगे कंटिन्यू करेंगे।